अस्सलाम वालेकुम क्लास सेवन्थ, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल गुड स्टूडेंट. टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग यू सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, बेस फाइव नंबर सिस्टम एंड ऑक्टल नंबर सिस्टम. हाउ टू सब्ट्रैक्ट बाइनरी नंबर सिस्टम, बेस फाइव नंबर सिस्टम एंड ऑक्टल नंबर सिस्टम. सो इन बाइनरी नंबर सिस्टम, द सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम होती है, सपोज 156, इसमें से हम 28 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 6 में से 8 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हम बोरो करते हैं यहाँ से. जब हमारे पास यहाँ आती है तो हम इसे एकदम से 16 पढ़ लेते हैं. 16 कैसे पढ़ती हैं? क्योंकि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, बेसिकली इसकी बेस 10 होती है. ये पूरे हमारे पास 1 नहीं आए, 10 नंबर आ रहे हैं. 10 + 6 = 16, लेकिन हम ये बचपन से करते आ रहे हैं, इसलिए हम यूज़ टू हुए हुए होते हैं कि हमारे पास यहाँ 1 आ रही है, तो जब हम इसे कलेक्टिवली पढ़ेंगे 16 हो जाएगा. तो जौन सी बेस हमारी चल रही होती है, बोरो करके हमारे पास उतने ही नंबर आते हैं. 10 + 6 = 16, 16 - 8 = 8. 5 में से 1 हमने इसे बोरो कर दिया था, यहाँ रह गए 4. 4 - 2 = 2 एंड 128. तो इसी तरह बाइनरी नंबर सिस्टम की जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे 1 0 0 0 1, अब 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, 0 में से 0 बोरो नहीं किया जा सकता, 0 में से 0 बोरो नहीं किया जा सकता, लेकिन इस 1 में से हम इसे जब बोरो करेंगे तो बाइनरी की जो बेस होती है 2, इसके ऊपर पूरे 2 नंबर आ जाएंगे, क्योंकि इसमें जो लार्जेस्ट नंबर यूज़ कर रहे हैं वो 2, जो इसकी बेस होती है वही हमारे पास बोरो में आती है. जैसे डेसिमल की बेस 10 होती है, तो सिंपल सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं, हम 1 इधर से लेते हैं लेकिन हम काउंट उन्हें 10 कर रहे होते हैं. इसी तरह जब बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, यहाँ से जब हम इसे बोरो कर रहे हैं, हमारे पास पूरे 2 बेस के नंबर आ जाएंगे. फिर इस 2 में से जब हम इसको बोरो करेंगे, इसके ऊपर 2 पूरे आ जाएंगे लेकिन ये वाला नंबर 1 रह जाएगा. फिर यहाँ से इसे बोरो करके लेके जाएंगे तो ये 2 आ जाएंगे और इसके ऊपर 1 रह जाएगा. सो नाउ सब्ट्रैक्ट 2 - 1 = 1, 1 - 0 = 1, यहाँ पर भी हमारे पास 1 रह गया था, ये 1 और इस इधर 0 रह गया, इसकी कोई वैल्यू नहीं. सो आंसर आ गया 1 - 1 - 1 विद बेस 2. हियर इज एन अदर एग्जाम्पल, 1 - 1 - 0 - 1 - 0 - 1. लाइक 0 में से 1 माइनस नहीं किया जा सकता, इसलिए जब हम इसे पूरे नंबर देंगे यहाँ हमारे पास 2 आ जाएंगे और इसके ऊपर रह जाएंगे 0. तो इस 2 में से जब हम 1 माइनस करेंगे हमारे पास 1 आ जाएगा, और 0 में से 0 माइनस कर देंगे 0, और 1 में से 1 माइनस कर देंगे 0, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास सिंपल 1. ये वाला जो मेथड जो यहाँ मेंशन हुआ है, ये बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन मैं आपको इजी मेथड से समझा रही हूँ कि जब हम बोरो करेंगे यहाँ तो हमारे पास बेस के पूरे नंबर आ जाएंगे 2, फिर उसमें से हम नीचे वाला नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे और पीछे वाले नंबर में हमारे पास उसमें से, जैसे यहाँ 0 है, 0 में से हमने इसे बोरो कर दिया तो ये 1 जो था ये 0 बन गया. बिल्कुल सेम इसी तरह हमने बेस 5 की सब्ट्रैक्शन करनी है. बेस 5 की सब्ट्रैक्शन जब करेंगे, 2 में से हमारे पास 3 माइनस नहीं हो सकता. जब यहाँ से हम इसे बोरो करके लेके जाएंगे, ये हो गया, ये रह जाएगा 1, इसके पास पूरे नंबर आ जाएंगे 5. 5 में ये वाले 2 प्लस कर दिए, 5 और 2 = 7. 7 में से 3 माइनस कर देंगे 4, ये हमारे पास रह गया था 1. अब 1 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, इसलिए हम इस 4 में से इसे बोरो कर रहे हैं, इसके पास आ जाएंगे पूरे 5 नंबर, क्योंकि हमारी बेस चल रही है 5. 5 + 1 = 6. 6 में से 4 माइनस कर देंगे 2. 3 में से माइनस कर दिया 1, 2. यहाँ मैं अगेन समझा देती हूँ आप इस क्वेश्चन को. 4 - 2 = 2 - 1 - 4 - 3. 2 - 3 पॉसिबल नहीं है, यहाँ से हम इसे बोरो कर रहे हैं, ये 1 रह जाएगा और इसके पास 5 पूरे आ जाएंगे. इस 5 में ये वाले 2 प्लस कर देंगे, 7 बन जाएंगे. 7 में से 3 माइनस कर देंगे 4, ये नंबर आ गया हमारे पास 1. 1 में से 4 की सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, यहाँ से इसे 3 कर देंगे और इसे जब बोरो करेंगे तो हमारे पास पूरी बेस 5 आ जाएगी. 5 + 1 = 6. 6 - 4 = 2. 3 - 1 = 2. मीन्स के जब हम पीछे से नंबर बोरो करते हैं तो हमारे पास उतने नंबर आते हैं जितने बेस के होते हैं, फिर उसमें जो गिवन नंबर होते हैं उन्हें ऐड कर देते हैं, जो ऊपर वाला नंबर होते हैं वो
कैरी वाले में प्लस हो जाते हैं जो हम बोरो करके ला रही होती हैं, और नीचे वाला सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है ऑक्टल सब्ट्रैक्शन। ऑक्टल सब्ट्रैक्शन में टोटल बेस होती है 8, इसलिए हम जब बोरो करके लाएंगे हमारे पास 8 नंबर आएंगे। 6 माइनस 6 इज़ 0, 6 में से 7 पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस 0 को हमने यहाँ पर जब कैरी दिया बोरो किया तो ये 8 आ गए। 8 प्लस 6 14, ये दोनों नंबर प्लस हो जाते हैं। 8 प्लस 6 14, 14 माइनस 7 इज 7। अब ये नंबर हमारे पास 0 रह गया था, जब हम यहाँ से इसे बोरो करके लेके जाएंगे ये हमारे पास 8, लेकिन इस 8 में से ये 0 नंबर था, यहाँ से हम बोरो नहीं कर सकते थे, इसलिए पहले हमने इस 8 में से इसे दिए तो ये 7 रह गए। 7 माइनस 7 इज 0 और 0। 1 0 6 6 6 7 7, ठीक। 6 माइनस 6 पॉसिबल है, 6 में से 6 माइनस हो गए 0, इसमें से इसे बोरो नहीं किया जा सकता, पहले हमने इधर से हमने इसे 8 बोरो किए। 8 8 में से ये 7 बन जाएंगे जब हम इसे बोरो कर रहे हैं, 8 हमारे पास आए। 8 प्लस 6 14, 14 माइनस 7 इज 7, 7 माइनस 7 इज 0 एंड 0, आंसर आ जाएगा 70 विद बेस 8। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू सब्ट्रैक्ट डिफरेंट बेस नंबर सिस्टम्स। ओके, योर होमवर्क इज डू एग्जाम्पल्स ऑफ एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम, बेस 5 नंबर सिस्टम एंड ऑक्टल नंबर सिस्टम ऑन योर कॉपीज। योर वर्क मस्ट बी नीट एंड क्लीन एंड अंडरस्टैंड हाउ टू सब्ट्रैक्ट डिफरेंट बेस नंबर सिस्टम्स। थैंक यू।